Good morning, class 5th students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your English class. So, today I am going to explain you the word meaning and make sentences as well as question answers of Robinson Crusey. सो योर फर्स्ट वर्ड इज सैविच वाइल्ड पीपल इन प्राइमेटिव स्टेट प्राइमेटिव स्टेट मीन्स वो स्टेट जो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं ठीक है जिसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्राइमेटिव स्टेट तो वो लोग जो प्राइमेट वो वाइल्ड पीपल वो जंगली लोग जो, जो प्राइमेटिव स्टेट में रहते हैं वाइल्ड पीपल मीन्स दोज पीपल हु ईट ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स ओके जो उनको मार के खा जाते हैं जो रॉबिन्सन क्रूजे थे वो विक्टिम बन गए थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट रूट जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं उनका कोई रास्ता नहीं होता वो कहीं भी यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं वंडर इट सेंटेंस I had some free time, so I wandered around town. मेरे पास कुछ फ्री टाइम था तो मैं अपने शहर में यहाँ से वहाँ घूमने लगा Inhabitant, occupied, जो घिरा हुआ होता है जहाँ पे लोग होते हैं या फिर कुछ भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं occupied. Most of the islands are inhabited. ज्यादातर जो आइलैंड होते हैं वो क्या होते हैं इन्हेबिटेंट घिरे हुए होते हैं Bold, more कॉन्फिडेंट जब आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जब आप में We need somebody with bold new ideas. हमें कोई ऐसा चीज जिसके पास अच्छे न्यू कॉन्फिडेंस से भरे हुए आइडियाज हूँ so come to question answer this is your today's work don't forget to write date at the top okay वट मेट रॉबिसन क्र्यूजे थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुट प्रिंट रॉबिसन क्र्यूजे ने यह कैसे मान लिया कि जो उस सैंड में उनको फुट प्रिंट दिखे थे वो जो प्रिंट निशान दिखे थे वो फुट प्रिंट ही है क्यों ऐसा क्यों लगा था उन्हें जो निशान थे वो फुट प्रिंट ही है उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो हैंड के प्रिंट है सो द आंसर इज द फुट प्रिंट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट क्योंकि जो प्रिंट था सैंड पे वो एग्जैक्टली exactly हमारे पैरों का जैसा निशान था विथ टोस उस निशान में टोस भी थे हमारी जो हील होती है वो भी था एंड every part of foot और हमारे foot का हर एक part था Your second question is, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? जब जब रॉबिन्सन bushes और trees को देख रहे थे जब वो अपने घर को जा रहे थे घर के रास्ते में उनके bushes और trees थे ना तो जब वो bushes, bushes में झाड़ियों को और trees पेड़ों को देख रहे थे तो वो क्यों डर रहे थे so, what is the रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड टू लुक एट द बुश एंड ट्रीज बिकॉज ही एवरी बुश एंड ट्री एज अ मैन क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी बुश और ट्री है वो कौन है मैन है उनको गलती से वो डरे हुए थे तो उनको उसमें क्या लग रहा था कि जितने भी बुशेज और ट्रीज है वो कौन है इंसान है क्वेश्चन नंबर थ्री इज वाई डे रॉबिनसन प्रे वैन ही सॉ द फुटप्रिंट जब रॉबिन्सन क्रूजे ने फुट प्रिंट देखा तो वो क्यों प्रेयर करने लग गए वैन रॉबिन्सन सॉ द फुट प्रिंट ही गॉट वेरी स्केयर जब रॉबिसन क्रूजे ने फुट प्रिंट देखा तो वो बहुत ज़्यादा स्कीड मीन बहुत ज्यादा डर गए एंड स्टार्ट इन प्रेंग फॉर हिज प्रोटेक्शन और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी सुरक्षा के लिए प्रे करने लगे सो हेयर योर यूनिट थ्री इज कम्पलीटेड यू हैव टू राइट ब्यूटीफुल यूनिट थ्री कंप्लीटेड योर पेरेंट्स सिग्नेचर शुड बी देयर आफ्टर ईच यूनिट देन ओनली आई विल डू टीचर सिग्नेचर ओके सम स्टूडेंट्स आर नॉट ड्राइंग मार्जिन लाइन विथ Pencil okay, you have to draw it with pencil and do, but don't use your black pen to draw the margin line. And your work should be exactly like this. I have done okay. See the poem, some students are not writing the poem also beautifully. Very untidy work, most of the students. See, I have also done like this work, Nona, but still, some students have done so untidy work. So, you have to uh, do your work in good handwriting. Thank you, and I hope that from next time, you all will improve your writing.